नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल शर्मा शोकेस में स्वागत है। आज इस आज़ादी के जश्न में आपको देश के एक ऐसे सच्चे वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो सैनिक तो नहीं है फिर भी योद्धा है, छत्री तो नहीं है पर उसका काम छत्रियों से कम भी नहीं है, देश प्रदेश की खातिर दूध घी मक्खन बनाने वाला रबारी है। समझने वाले समझ गए हैं कि मैं बात कर रहा हूँ रणछोड़ भाई सबा भाई रबारी की। लड़ाई के मैदान में गोला बारूद फेंकने वाला ये कोई वीर तो नहीं है, पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर देने वाला बलवीर जरूर है। इसने रण संग्राम में वीर गति तो नहीं पाई, फिर भी ये शहीद है। सारी दुनिया इनको इनके उपनाम पगी से जानती है। इस पगी का पराक्रम आप सुनोगे तो बोलोगे कि क्या बात है, मुझे अभी तक इनके बारे में पता क्यों नहीं था। पर ये हकीकत है, देश की रक्षा करते हुए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी। इस सूखी लकड़ी जैसे शरीर पे सर के ऊपर जो पगड़ी देख रहे हैं आप, ये पगड़ी नहीं इनका कफन है। और सर पर कफन बांधे ये रबारी अपने जीवन को जोखिम में डालकर देश के पहरेदार की भूमिका में रहता है। सीबीआई और क्राइम ब्रांच का जन्म तो अभी हुआ है, पर ये एजेंसी जो काम करती हैं वही काम रबारी परसों पहले कर चुका है। अभी हाल में एक मल्टी स्टार फिल्म भुज बनी है, जिसमें रणछोड़ पगी का इतिहास बताया गया है। फिल्म कुछ समय में रिलीज होने वाली है। रणछोड़ भाई अनडिवाइडेड भारत के पैथापुर गथड़ गांव के मूल निवासी थे। कहा जाता था कि खूब धन दौलत के मालिक और अमीर हुआ करते थे, जिनके पास 300 एकड़ जमीन, 300 गाय भेड़ बकरियां थी। परंतु विभाजन के बाद हिंदुओं पर हुए अत्याचार के कारण और पाकिस्तानियों के जानवरों से बदतर जुल्म सहते सहते अपनी जिंदगी बिता रहे थे। पर जब बात धर्म परिवर्तन तक पहुंची तो ये हिंदी सभ्यता और संस्कारों से भरपूर रणछोड़ भाई को सहन नहीं हुआ, और एक दिन पाकिस्तानी पुलिस ने इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए बहुत मारा। तब तो इन्होंने जानवरों को मारने वाले डंडे को छोड़कर पुलिस वाले की ही बंदूक छीन कर उसी से उसकी पिटाई कर दी। शायद ऐसा मैंने सुना है कि रबारी समाज अपनी स्वतंत्र जीवन शैली जीने वाले लोग होते हैं, जो गलती होने पर अपने बेटे को भी नहीं छोड़ते, पर अगर गलती ना हो और इन्हें कोई छेड़े तो फिर ये मरेगा या मारेगा, पर गलत बात कभी नहीं सुनेगा। बस यही हुआ अपने रणछोड़ भाई के साथ। अपना घर बार सगे संबंधियों को सौंप कर ऊंट पर बैठकर परिवार सहित रणछोड़ भाई गांव से निकल गए भारत देश की तरफ, और भारत में आकर लिम्डा गुजरात में आ गए। अमीरी और धन चला गया इस बात का दुख इनको नहीं था, पर अबोध पशुओं को बेसहारा छोड़कर चले आए थे इस बात का दुख इनको जिंदगी भर रहा। कहने वाले कहते भी हैं कि कई सालों से रणछोड़ भाई जानवरों की बोली जानते थे, नींद में भी जानवरों को नाम से बुला लेते थे, पर ये सब तो श्याम बरनी ठाकुर जी का खेल था। रणछोड़ भाई की जरूरत पाकिस्तान में नहीं थी, इनके माथे पर तो भारत माता और वतन की सेवा लिखी थी। भारत आने पर सब कुछ छोड़कर आ चुके रणछोड़ भाई को सूझ ही नहीं रहा था कि अब क्या करें। पर कहते हैं ना कि यदि भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो इसके बदले में दूसरे 10 दरवाजे खोल देता है। रणछोड़ भाई रेगिस्तान में पैरों को पढ़ने की कला में माहिर थे। इंसानी पैरों की निशान को देखकर वजन से लेकर उम्र तक का अंदाजा लगा लेते थे, कितनी देर पहले का निशान है, कितनी दूर गया होगा, एकदम सटीक आकलन। रण के रास्तों पर ऊंट पर कितने लोग सवार थे, ऊंट के पैरों के निशान देखकर बता देते थे। वाह भाई वाह, इस काम में इतने माहिर थे कि ये पैरों के निशान देखकर बता देते थे कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी है, उसने कितना वजन सर पर उठा रखा है। बस इन्हीं गुणों के कारण जीवन में बदलाव आ गया।
जब उन्हें 58 साल की आयु में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक बनराज सिंह छाला ने पुलिस के मार्गदर्शक के रूप में इन्हें नौकरी पर रख लिया। बनासकांठा में एक बार रेगिस्तान में ऊंट के पैरों के पद चिन्हों को देखकर हबीब खान नाम के हथियारों के सौदागर को पकड़वा दिया। ये पिंडारी बनासकांठा के रास्ते पाकिस्तान से भारत में घुसने की फिराक में था। इसके पास से लाखों रुपए की बंदूकों के साथ कई हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। पुलिस ने उनकी इस सफलता के लिए उन्हें बतौर मेहनताना 500 रुपए दिए। सुई गांव से सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर जब रणछोड़ भाई गश्त लगाते थे तो कहते थे, आ जाओ, किसको आना है आकर दिखाओ, मैं एक रवारी तुम सबके लिए काफी हूं। अगर ये गश्त लगाएं और इनकी नजर पड़ी तो समझो एक न एक तो इनकी पकड़ में आ ही जाता था। दुश्मन के लिए सरदर्द बन चुके रणछोड़ भाई के लिए दुश्मन भी बोला करते थे कि रणछोड़ पगी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, जाल में है दाना, संभलो भाई संभलो, अगर गए तो फंसना ही है फंसना। उनकी इस बात की चर्चा भारतीय सेना के सेना नायक जनरल माणिक शाह तक भी पहुंची तो उन्होंने कहा, इस जांबाज की जरूरत पुलिस थाने से ज्यादा भारतीय लश्कर को है। और उन्होंने एक स्पेशल पोस्ट इनके लिए बना दी जिसे नाम दिया पगी यानी पथ प्रदर्शक। इन्हें बटालियन नंबर 4 में पगी के तरीके से रख लिया। 1965 युद्ध की शुरुआत में पाकिस्तान सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा से सटे बिथकोट पर कब्जा कर लिया था। इस मुठभेड़ में लगभग 100 भारतीय शहीद हो गए थे। भारतीय सेना की एक 10,000 वाली सैनिकों की टुकड़ी को 3 दिनों में झारकोट पहुंचना जरूरी था। तब जरूरत पड़ी पहली बार रणछोड़दास पगी की। रेगिस्तानी रास्तों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को तय समय से 12 घंटे पहले मंजिल तक पहुंचा दिया था। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन और अनुमानित संख्या सिर्फ उनके पद चिन्हों से पता करके भारतीय सेना को बता दी थी। बस इतना काफी था हमारी भारतीय सेना के लिए मोर्चा फतेह करने के लिए। फिर आया साल 1971। इस युद्ध में रणछोड़ भाई ने तो कमाल ही कर दिया। प्रोफेशनल जासूस की तरह रणछोड़ भाई ऊंट के ऊपर बैठकर पाकिस्तान में घुस गए। यहाँ आकर सैनिक अड्डों बंकरों की सारी जानकारी ले ली। किसी को कानों कान खबर न लगी। रणछोड़ भाई की खबर यानी पत्थर की लकीर। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं था। घोरा क्षेत्र में छुपी पाकिस्तानी सेना के ठिकानों की जानकारी लेकर लौटे। पगी के इन इनपुट पर भारतीय सेना ने कूच किया। जंग के दौरान गोला बारूद खत्म होने पर जब इन्हें खबर पड़ी तो इन्होंने सेना को रातों रात दूर दूसरी छावनी से ऊंटों के ऊपर गोला बारूद लाद कर बारूद पहुंचाने का भी काम किया। युद्ध में दूसरी बटालियन में कई जवान शहीद हुए पर रणछोड़ भाई जिस बटालियन में थे उसमें से एक भी जवान के शहीद होने की खबर आज तक नहीं। जनरल माणिक शाह जब तक जिंदा थे पगी को याद करते थे। 2000 फील्ड मार्शल माणिक शाह वेलिंगटन तमिलनाडु अस्पताल में भर्ती थे। गंभीर अवस्था और अर्धमूर्छित अवस्था में भी एक नाम अक्सर लिया करते थे, पगी पगी। डॉक्टरों ने आखिर एक दिन पूछ ही लिया, सर हु इज दिस पगी। तब सैम साहब ने खुद ही ब्रीफ किया था ये सारी स्टोरी। इधर 1971 में भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल माणिक शाह ढाका में थे और बहुत चुनिंदा लोगों के साथ उन्होंने डिनर का एक आयोजन किया और उस आयोजन के लिए आदेश दिया कि पगी को बुलाओ, आज डिनर भी उसके साथ करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते समय पगी की एक थैली नीचे रह गई जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर वापस उतारा गया था। अधिकारियों ने नियमानुसार हेलीकॉप्टर में रखने से पहले थैली खोल कर देखी तो दंग रह गए क्योंकि उसमें 2 रोटी प्याज और बेसन का एक पकवान गाठिया था और साथ में थी हरी मिर्च। डिनर में उनको मान देने के लिए उनकी लाई रोटी में से एक रोटी सहम साहब ने खाई और दूसरी पगली। वैसे तो सुरक्षा बल की कई पोस्टों के नाम मंदिर दरगाह और जवानों के नाम पर हैं किंतु रणछोड़ भाई पहले ऐसे आदमी थे जिनके नाम पर पोस्ट का नामकरण किया गया है। ये
पहली बार हुआ था कि किसी आम आदमी के नाम पर सेना की कोई पोस्ट हो और साथ ही उसकी मूर्ति भी लगाई गई हो। हाल ही में भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF ने मार्गदर्शक आम आदमी के सम्मान में अपनी उस बॉर्डर पोस्ट का नामकरण किया। उत्तर भारत के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र की इस बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया। इस पोस्ट पर रणछोड़ दास की एक प्रतिमा भी लगाई गई। पाकिस्तान के पाली नगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा था उस जीत में पगी की भूमिका अहम थी। खुद सैम साहब ने 300 रुपए का नगद पुरस्कार अपनी जेब से दिया था। पगी को 3 सम्मान भी मिले। 1965 और 71 के युद्ध में उनके योगदान के लिए संग्राम पदक, पुलिस पदक और समर सेवा पदक। 27 जून 2008 को सैन मानिक शाह की मृत्यु हो गई और 2009 में पगी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पगी की उम्र 108 वर्ष की थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 108 वर्ष की उम्र में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। जनवरी 2013 में 112 वर्ष की उम्र में रणछोड़ भाई रबारी का निधन हो गया। इनके आखिरी इच्छा अनुसार इनको पगड़ी पहनाकर उनके ही खेत में राजकीय सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब भी वे गुजराती लोकगीतों का हिस्सा है। उनकी शौर्य गाथाएं युगों युगों तक गाई जाएंगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण, शालीनता के कारण भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए रणछोड़ दास रबारी, यानी हमारे आज शर्मा सुकेश और डॉक्टर नरेंद्र शर्मा रणछोड़ दास रबारी को सैल्यूट करता है। जय जय भारत।